जो अजहर मंसूर साहब है इनका हाथ पुलवामा घटना में थी एकदम स्पष्ट है। उनके समय से उनको अजहर साहब को इस बार डिसीजन लिया गया। इन वीडियोस में जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मसूद अजहर को साहब कहते नजर आ रहे हैं, उन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं, ये हैं हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। एक बार फिर से महागठबंधन के नेता को मसूद अजहर को साहब बोलते हुए देखिए। जो अजहर मंसूर साहब है इनका हाथ पुलवामा घटना में थी एकदम स्पष्ट है। इस चीज को शब्द को माना गया है तब यूनिवर्सल सर्जिकल यूनिवर्सल टेररिस्ट घोषित किया गया। एक दूसरी बात और की गई है कि ये जो अजहर मंसूर साहब है इनका हाथ पुलवामा घटना में थी एकदम स्पष्ट है कि उनका हाथ वहाँ रहा। ये भी शब्द किया गया कि पुलवामा घटना से अजहर मसूद का नाम अगर नहीं जोड़िएगा तब हम आपको वहाँ भीटो का प्रयोग नहीं करेंगे। ये दूसरा शब्द, ये भी शब्द हिंदुस्तान का कोई भी स्वाभिमानी नहीं मान सकता है, कह सकता है कि वो टेररिस्ट है, हमारे 44 लोग शहीद हो गया पुलवामा में और हम उनको नहीं कहेंगे कि हमला सातुष ने घटना घटाया, लेकिन इसको इन्होंने माना। तीसरी चीज, इन्होंने एक हफ्ते के अंदर ही ये दूसरी बार मसूद अजहर को साहब कह दिया है। दरअसल मांझी अपने प्रत्याशी अशोक कुमार आजाद के लिए वोट मांगने नालंदा पहुंचे थे। यहां मोदी सरकार की मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने में भागीदारी पर हमला करते करते मांझी की जुबान फिसल गई। यही नहीं, मांझी ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने पीएम को पागल तक कह दिया। आपके रहते पुलवामा की घटना हो गई, आरडीएक्स 300 किलो लेकर के घुस गया हमारे कन्वॉय में, कैसा चौकीदारी आप कर रहे थे, और वो चौकीदार जो लड़ते लड़ते अपना जान निछावर कर दिया, चाहे इंदिरा गांधी का मामला हो चाहे राजीव गांधी का मामला हो, उस पर आप घटिया किस्म का आप निभा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये अपने हाथ से पकड़ा गए और इस चीज को अब बिहार हिंदुस्तान की जनता समझ गई है, इसलिए ये 5वां चरण और इसके बाद 6ठा चरण में ये 0 पर आउट होंगे। और आप देखिएगा कि जो हमारा 544 या 45 जो है उसमें 100 से ज्यादा। एक आतंकी को बार बार साहब बोलकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने खुद को सवालों से घेर लिया है कि आखिर उनके मन में मसूद अजहर को लेकर इतनी इज्जत क्यों है। पिछली बार भी जब उन्होंने मसूद अजहर को साहब कहा था तो ये खबर खूब वायरल हुई थी। अब देखना ये होगा कि मांझी के इन बयानों का लोकसभा चुनावों में महागठबंधन पर क्या असर होता है। रंजीत सिंह, नालंदा, बिहार तक।